लखनऊ में सांसद के बेटे के गोलीकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। सांसद कौशल किशोर की बहू ने उनके घर के ही आगे हाथ की नस काट ली। पहले उसने वीडियो भेजा, सुसाइड की धमकी दी। पुलिस ने सांसद की बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया। सांसद की बहू ने घर की स्कूटी से पहले वहां पर पहुंची, हाथ की नस काट ली और वीडियो के बाद ट्रैक कर रही पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। तो ये बड़ी खबर है। लगातार सांसद का बेटा आरोप लगा रहा अपनी पत्नी पर। वापस भी नहीं आगे तो मुझे रहना भी नहीं है। बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई लड़की, सबसे हार गई। मैं कोई बात नहीं, मैं जा तो रही हूँ, तुम याद रखोगे। मेरे से जाने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी। तुमने जो भी किया मेरे साथ, तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम्हें तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, से मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा, कोई फायदा नहीं है। सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो, तुम्हारे घर वाले हो। तुम थी मैं जैसे भी थे, तुमने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब कह झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकते, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी। इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, और क्योंकि सामने मेरी जिंदगी में बात करी है, तुम सबको ये करना था, फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए। से प्यार करने की यही सजा मिली मुझे, कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना कुछ। और मामला सुर्खियों में तब आया जब सांसद के बेटे पर उसके साले ने गोली चलवाई थी। जांच आगे बढ़ी तो पति पत्नी के रिश्तों पर दोनों आमने सामने होने लगे। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया, आज ये मेरे पिताजी को उनसे कह रही मुझे बहू का दर्जा चाहिए। इसको मैं इस देश में कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनका काम ही यही है। मेरे केस में ना ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग जो फंसाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पैसों के लिए, अच्छे घर के बच्चों को फंसाते। वो लखनऊ आवास पे दुबग्गा में जो उनका आवास है वहां पे वो थे, तो ये बताइए कि अगर मेरी असल में बात हुई थी आयुष से जब वो वहां पे थे, तब भी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, तो उस दिन एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान, तो मैंने बोला उस दिन मेरे दिमाग में कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दोनों तरफ से, एक मेरा ससुराल भी मेरे साथ नहीं, मेरा मायका भी मेरे साथ में नहीं है, तो मेरे दिमाग में चाह रहा था कि मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन अब नहीं है, मैं अकेली हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या चाहती हैं पुलिस से, क्या चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए, जो कि वो लोग नहीं दिए हैं आज तक, ना देने, मना भी करें कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है आप कर लीजिए, चाहे जहां जाना है जाइए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी बोला ठीक है, अब मैं मेरी मर्जी का ही करूँ।